हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के रिलीज को लेकर जब से अनाउंसमेंट हुई थी तभी से ये फिल्म चर्चाओं में बनी हुई थी। भले ही फिल्म विवादों की वजह से सुर्खियों में थी, लेकिन फिल्म को लेकर बढ़ते बज को देखते हुए लोगों ने फिल्म से कई उम्मीदें लगा ली थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये फिल्म लोकसभा चुनाव के ठीक अगले दिन यानी कि 24 मई को रिलीज हुई थी। यहां तक कि देश में चल रहे मोदी लहर का भी इस फिल्म को फायदा मिलता नजर आ रहा था। पहले वीकेंड में तो फिल्म ने 11.76 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, लेकिन उसके बाद वीकडेज में फिल्म कछुए की चाल से चलने लगी। जहां अपने चौथे दिन फिल्म ने 2.41 करोड़ का कारोबार किया, वहीं अब लीजिए इसके पांचवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने अपने पांचवें दिन लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब अगर फिल्म इसी तरह से कमाई करती रही तो कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म थिएटर्स पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ अर्जुन की इंडियाज मोस्ट वांटेड भी रिलीज हुई और ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। बात करें विवेक की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की, तो इस फिल्म में विवेक के साथ दर्शन कुमार, मनोज जोशी और बुमन ईरानी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। वेल, आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हेलो, बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग किया है और मतलब इट इज़ अबाउ द एक्सपेक्टेशन, इट वॉज वेरी नाइस मूवी। हाँ जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से पूरी फिल्म एकदम कैच किया, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप मूवी में पूरी तरह से लगे रहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी, अमेजिंग मूवी। 4.75 स्टार्स। बहुत अच्छी पिक्चर है। सबसे खास बात है कि उन्होंने आज तक जो काम किया हम पब्लिक के पास पहुंचा नहीं पाते, लेकिन हम मूवी के जरिए वो दिखा सकते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। कितने लोग को नहीं पता रहता, हम पॉलिटिकल लेके अवेयर नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन मूवी जो बनी जो उन्होंने बनाया उसे वो दिखा सकते हैं कि हमने ये किया और ये हम कर रहे हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे लाइक उन्हें देख मुझे ये लगा विवेक ओबराय हैं, मुझे ये लगा कि हाँ मोदी जी ही हैं जी। 5। अंकल, अपने पिक्चर देखो, मोदी जी की कैसी लगी आपको पिक्चर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पिक्चर में सबसे खास बात क्या लगी आपको? मोदी का स्पीच। हाँ, और बात करें विवेक ओबरॉय की एक्टिंग की, तो उन्होंने क्या मोदी की एक्टिंग अच्छी की? अच्छी की, अच्छी वे बोल रहे अच्छी की। कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 5 से 5 पूरा। बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी। पीएम नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायरिंग थी यंग जनरेशन के लिए। मूवी देख के अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हूँ मैं मूवी से। ठीक ठाक थी, अच्छी मूवी थी और विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग बहुत सही थी। आपको विवेक की एक्टिंग कैसी लगी मूवी में? बहुत अच्छी थी। और सॉन्ग्स अच्छा था, फुल बेस्ड ऑन उन पे नहीं था, लेकिन थोड़े रैप थे और अच्छे इमोशनल सॉन्ग भी थे बहुत। कितने स्टार देना पसंद करेंगे ऑटोपाई? 4। ये मूवी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस मूवी। अगर ये मूवी 5 दिन पहले रिलीज हुई होती, सॉरी ये मूवी चुनाव से पहले रिलीज हुई होती, तो हिंदुस्तान में 542 सीट मोदी की आती और कोई सीट नहीं आती दूसरी। मोदी ने वो काम किया है गुजरात में जो आज तक किसी ने, ऐसे लीडर ने नहीं किया आज तक। मोदी को पीछे ढकेलने के लिए कांग्रेस ने वो गलत काम किए हैं, अगर कांग्रेस उनका साथ देती तो आज हिंदुस्तान कई आसमां पे होता। वेरी नाइस मूवी, देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो मोदी जी हैं। विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग, वाह लाजवाब एक्टिंग की है उन्होंने। मोदी का कैरियर परफेक्ट, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो उनका जो क्या नाम है उसका, जो साधु के भेष में जो हिमालय में जाते हैं संन्यास वाले सीन में, उनको क्या लाजवाब कैरेक्टर अदा किया है। एक महात्मा जी मिलते हैं जो उनकी क्या नाम है वो मदद करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और उनको रास्ता दिखाते हैं कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, आपको देश की ज़रूरत है। ये 4. ओके,
पिक्चर ठीक है, बायोपिक है, उसके इंस्पिरेशन है उसमें मूवी है, और विवेक की एक्टिंग अच्छी है। डायरेक्शन अच्छा है, थ्री। पिक्चर बहुत इंस्पिरेशन लायक है, मतलब कल ही मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना है और बने हैं सॉरी, और आज वो पिक्चर आई, पिक्चर का रिलीजिंग डेट भी बहुत अच्छा है। और ये मोदी जी के बारे में था ना, गोधरा कांड उन्होंने करवाया, तो इस मूवी में बहुत अच्छा से उसने क्लियर किया है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, जाके कोई और रिस्पॉन्सिबल, कोई एक बिजनेसमैन रेड्डी रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो भी कैरेक्टर किया है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और वो जाके एक्चुअली में जाके वहाँ हेल्प ही करती है, ज़्यादा क्लियर किया है। और उनके जीवन के बारे में जो मतलब हम लोग नहीं जानते, वो भी पहले वो हिमालय में जाते हैं 2 साल, इसके बाद रिटर्न होते हैं, RSS से ज्वाइन करते हैं, फिर CM बनते हैं, इसके बाद उनको PM के लिए वो कैंडिडेट, तो बहुत सारी बातें मतलब लोग नहीं जानते, मतलब जानते हैं उनको, लेकिन अगर पूरे अच्छे से उनको जाना तो ये मूवी देखना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मूवी है, उन्हें पूरे देश के लिए मतलब उनने जो भी शादी नहीं किया, जो भी अपना जीवन है एक सन्यासी की तरह जिया, वो पूरी उनकी मतलब जीवन के बारे में बताती है। और जो विवेक ओबेरॉय ने जो रोल किया, कहीं कहीं तो बहुत एकदम फिक्स बैठते हैं कि मोदी लगते हैं, कुछ ऐसा हो सके, मेकअप उनका बहुत ज़बरदस्त किया गया है, और कुछ कैमरा एंगल के चलते वो मोदी कुछ जगह में लेते हैं। 4 स्टार। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, मतलब मैंने पहली बार ऐसी कोई फिल्म देखी, सो इट वाज रियली फन। बहुत करनी चाहिए, मतलब हम लोग को ये सब आइडिया नहीं होता, तो मुझे ये सब बहुत नया नया पता चला, सो एंड आई एक्चुअली लाइक्ड इट, लाइक इट वाज काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल। मुझे कोई आई डिडंट नो कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, टुडे आई गॉट टू नो कि हाउ वाज इट एट द बिगिनिंग एंड हाउ इज इट, या इट वाज फन। सरप्राइजिंगली वेल, मोदी जी के कैरेक्टर को बहुत सूट किया, या 3.5। या बहुत ही बढ़िया, बस दिल को छू गई, और प्रधानमंत्री जी के बारे में और जानने की एक हाँ एक मौका दिया गया, तो बस इंस्पायर तो हो गए एक्चुअली लोग मोदी जी से, और हम क्यों इंस्पायर हुए ये जानने के लिए ये फिल्म देखनी पड़ी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें विवेक की, तो कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया, ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया है, रोल के लिए जितना चाहिए उतना ही किया है, एंड कभी ये नहीं लगता कि विवेक ओबेरॉय है। नहीं, मैं बात तो कंप्लीट करने दो कि कोई एक्टर कोई रोल कर रहा है तो कभी ना कभी तो लगेगा ना कि ये विवेक ओबेरॉय है, तो वो विवेक ओबेरॉय लग ही नहीं रहे थे और पूरा मोदी ही लग रहे थे, ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ, डायरेक्शन की बात करें तो कैसी लगी डायरेक्शन? ही हैज़ बीन प्रॉमिसिंग, मेरी कॉम भी अच्छी थी, वैसे स्टोरी और स्क्रिप्ट में इतना ताकत है, डायरेक्टर का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा, कहीं पर भी बिगाड़ा नहीं है। बेस्ट बहुत सीन है, डायलॉग्स इतने हैं, लोग बहुत तालियां मार रहे थे, मैं भी मार रहा था, और जहां पर वो सब नेताओं को खड़ा करके सबको बिना बिठाए, हाँ लोग कुर्सी पे बिठा देते हैं हम लोगों को, वही आदत हो जाती है, अभी थोड़ा सा खड़े हो जाओ, फिर चाय बनाते हैं, और चाय नेता पीने के लिए जाता है तो बोलते हैं पहले अटेंडर को पिलाओ, अभी बहुत राज कर लिया, अभी सेवा करने का वक्त आया है, दिस एंड मेनी मोर सीन्स देयर आर। 4.3। चलो डन, माय बिगेस्ट सपोर्ट इन द इंडस्ट्री एंड ही इज माय बिगेस्ट सपोर्ट टू। थैंक यू, एंड सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि द जर्नी ऑफ दिस फिल्म हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म ऑफ माय लाइफ इन लास्ट 18 इयर्स, एंड द सरप्राइज which was always given by Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Raj Thackeray, I don't know who all, everybody, to ek mahagathbandhan thi BJP ke khilaf,
और एक महागठबंधन थी हमारे फिल्म के खिलाफ, और आज पता चल गया कि इस देश के असली हीरो कौन हैं जिनको अब नहीं रोका जा सकता है, वो दोबारा आ चुके हैं। और राहुल गांधी जो जिस फिल्म में काम कर रहे थे वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, और आज बीजेपी की सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र में हुई है और कल हमारी फिल्म। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में मोदी जी आ रहे हैं और वर्ल्ड के 40 सिनेमाघरों में हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आ रही है। ये फिल्म इसी तरह 10 अप्रैल को मैंने प्रीमियर रखा था, और मुझे याद है कि 10 तारीख को मुझे एक नोटिस आया शाम को 6 बजे, और पुलिस आई और हम सब डर गए और फिल्म को रोक दिया गया। और वो मेरे लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था जब पीवीआर ने 1300 समोसा मेरे ऑफिस भेज दिया, एंड आई वॉज सिटिंग विद 1300 समोसा अलोन एट द डे ऑफ द प्रीमियर ऑन 10th अप्रैल। दैट वॉज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी। वी मेड द फिल्म इन 38 डेज, बट दैट जर्नी ऑफ 38 डेज वॉट लाइक अ 380 डेज ऑफ माई लाइफ। एंड वी शॉट इन गुजरात, वी शॉट इन कच्छ, भुज, बनारस, मुंबई, हर्षिल, ऋषिकेश, देहरादून, इन 38 डेज। बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट दिस फिल्म हैज़ बीन मेड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ विवेकानंद ओबरॉय। यस, ही हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड इन द इंडस्ट्री, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव वर्कड विद। द सपोर्ट ऑफ हिम, ऑफ नॉट शोइंग एनी टैंट्रम, नॉट आस्किंग फॉर वैनिटी वैन, नॉट आस्किंग फॉर 5-star hotels, नॉट आस्किंग फॉर स्पॉट बॉयज, वॉट ही डिड वॉज ही कंटिन्यूसली every day from 2 a.m. to 7 a.m. he used to do his makeup, prosthetic, then without eating anything he used to survive on the set only on the sip of water and juices so that his prosthetic doesn't come out. Every day to be with the screenplay writer, to be with the dialogue writer, to be in character, to help me in my production, to sort out the location problem. Thank you Vivek for standing by all of us and making this film in 38 days. It was only because of you. ये शादी कब कर रही है ये सवाल की शब्द तो आप संदीप प्लीज सवाल ये कि आज आप इस जश्न में भी आप शामिल हुई हैं, आप स्क्रीनिंग में भी आई हैं, सो पहली बात बहुत बड़े बहुत फिल्म और ये जो आज विन हुआ है उसके बारे में। आई थिंक ये फिल्म का तो अभी ये फिल्म तो अभी आई है, बट मैं जितना संदीप को जानती हूँ आई थिंक ही इज़ सच अ हार्ड वर्कर गाय, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, एंड फॉर मी ही इज़ अ इंस्पिरेशन। ही मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड, ही मोटिवेट्स मी टू डू सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक मैं जो भी जहाँ अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ संदीप समवेयर, नो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम, एंड आई रियली 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 बिलीव इज टैलेंट। और मुझे याद है कि मैं और संदीप एक दिन ऐसे ही बैठे थे और मैंने इसको बोला संदीप यू शुड डू योर ओन थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ डूइंग दिस। एंड जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी से कौन प्यार नहीं करता, सो आई थिंक मैं एक उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम थैंकफुल संदीप दैट आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और हम सबको यहाँ बुलाया है, एंड आई एम श्योर द फिल्म इज गोइंग टू रॉक।